गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 10 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 10 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 पे है और प्रश्नावली है आपका 5.4। कह रहा है कि किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल, यानी किसका किसका गुणनफल, तीसरे और सातवें पद का गुणनफल वह है 8। तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग यानी कि S16 ज्ञात करना है आपको। चलिए, यहाँ दिया हुआ है कि एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग जो है वो 6 है। तो तीसरा पद यानी कि A+2D हो जाएगा और ये हो जाएगा A+6D बराबर में 6। यहाँ से हो जाएगा 2A+8D बराबर में 6। यहाँ से 2 कॉमन के लिए तो हो जाएगा A+4D बराबर में 6। ये ले जाएंगे भाग में तो A+4D बराबर आ जाएगा 3, यानी A बराबर आ गया यहाँ से 3-4D। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब लेते हैं इनका गुणनफल, 8 दिया है ना तीसरे और सातवें पद का, तो यहाँ लिखते हैं एपी का कौन सा, तो तीसरा और सातवें पद का गुणनफल जो दिया है वो 8 दिया है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है ऊपर, है ना। तो चलिए यहाँ भी आपको फॉर्मूला लगा देना होगा। तो इसका हो जाएगा A+2D, अच्छा इसका हो जाएगा A+6D बराबर में 8। तो A का मान यहाँ से रख सकते हैं क्या, तो A का मान यहाँ रखेंगे 3-4D और प्लस में 2D, ये वाला। फिर यहाँ भी एक जगह पे 3-4D और प्लस में 6D बराबर में 8, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3-2D और यहाँ हो जाएगा 3+2D बराबर में 8। देखिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में है, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा A²-B², ठीक है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस यहाँ हो जाएगा 4D² बराबर में 8। इसको ले जाते उधर माइनस में, तो माइनस का 4D² बराबर हो जाएगा 8-9, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 4D² बराबर में माइनस का 1। माइनस माइनस काट दीजिए तो D² बराबर 1/4, यानी D बराबर हो जाएगा +√1/4। तो D का यहाँ से 2 को माना गया, +-1/2। D का मान क्या आ गया, +-1/2, ठीक है। तो अभी A का मान निकालना होगा ना, तो यहाँ केस पहला लेंगे, दो केस हो गए ना। केस फर्स्ट, जब D बराबर दिया है 1/2 तब A क्या होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या है, A बराबर है 3-4D, ए ना था समीकरण 1। ऊपर देखिए यहाँ पे समीकरण 1 लिखे हैं, 3A 3-4D ए बराबर ही ना। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा 3-4D यहाँ पे 1/2, यहाँ से ये काट देंगे दो बार में, यानी कि 3-2 यानी ए आ गया। ए का मान क्या आ गया, 1 आ गया और डी का मान 1/2 है। तो आपको क्या करना है, 16 पदों का योग, यानी बराबर 16 दिया है ना, प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। चलिए तो एस एन का यहाँ पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन बराबर आपको याद होना चाहिए होता है N/2 ब्रैकेट में 2A+N-1D। तो यानी S16 बराबर हो जाएगा 16/2 ब्रैकेट के अंदर 2A, तो एक जगह पे 1 है, प्लस N-1 यानी कि 16-1 और D की जगह पे है आपका 1/2। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ कट जाएगा 8 बार में ना, तो 8 ब्रैकेट में हो जाएगा 2+, यहाँ देखिए यहाँ घटाइएगा तो 15, यानी 15/2 आ जाएगा। एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, अंदर एलसीएम लेके जोड़ देते हैं, एलसीएम होगा 2, तो यहाँ आ जाएगा 4+15, है ना, यही ना आएगा आपका यहाँ से। तो ये 2 से 8 कट जाएगा ना, कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में, यानी कि 4 और इंटू हो जाएगा 15 4 19 19 4, कितना आ जाएगा 76, यानी कि प्रथम 16 पदों का योग 76 आ गया। लेकिन अभी केस 2 बाकी है, केस 2 लेते हैं, कब, जब D बराबर माइनस का 1/2 है, और फिर लिखते हैं समीकरण 1 से।
तो समीकरण एक में था आपका a बराबर 3 माइनस 4 डी, यही ना है। तो a बराबर हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस का 1/2, यहां से यहां इसको काट दिए तो कितना बार में कट जाएगा, दो बार में, तो यहां से हो जाएगा 3 और ये माइनस माइनस प्लस 2, यही ना होगा। यानी a बराबर यहां से आ जाएगा आपका 5, a का मान कितना गया 5 और d का मान माइनस 1/2 है ही और n का मान आपका 16 का ही रहा है, 16 पदों का योग। तो यहाँ भी एस 16 निकालना होगा, तो एस 16 बराबर हो जाएगा 16 बट्टा 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 5 यानी 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 1 और d की जगह पे क्या होगा माइनस का 1/2, ब्रैकेट बंद कर दिए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो 8 ब्रैकेट में 5 गुना 10 प्लस, यहाँ देखिए घटाइएगा तो हो जाएगा 15 और ब्रैकेट में है माइनस का 1/2, यहाँ 8 ब्रैकेट में 10 और प्लस माइनस माइनस 15/2, ठीक है। 8 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे ना 2, 20 माइनस में 15, यहाँ से कट जाएगा कितना बार में 4 बार में, ठीक है। तो हो जाएगा 4 और गुना में कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 4 पंजे 20, प्रथम 16 पदों का योग जो हो गया 20 भी आ गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। देखिए एक डंडा यहाँ है, फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा डंडा है, फिर 25 सेंटीमीटर दूरी पर तीसरा डंडा है। डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है, यानी कि ये समान रूप से घट रही है, ठीक है, एक समान रूप से घटती जा रही है, यानी कि ये एपी में डंडों की लंबाई है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सबसे ऊपर है ना, और यदि ऊपरी सॉरी और सबसे ऊपरी वाले डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, सबसे नीचे वाला 45 और सबसे ऊपर वाला 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, यानी कि सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला, इन दोनों के बीच की दूरी 2.5 मीटर है, तो डंडे को बनाने के लिए लकड़ी का कितनी लंबाई लगेगी, यानी कि ये डंडे को बनाने के लिए लकड़ी की टोटल लंबाई, यानी कि इन सभी का योग निकालना होगा, सभी डंडों का योग निकालना होगा। तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितने डंडे लगे हैं, ठीक है, डंडों की संख्या पता होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया है कि प्रथम और अंतिम, यानी कि ऊपरी और निचली, ऐसे लिख सकते हैं, ऊपरी तथा निचले डंडे के बीच की दूरी, ये जो दूरी दिया है ये मीटर में दिया है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं क्योंकि सब सेंटीमीटर में, यानी ये आ जाएगा 5/2 मीटर, यानी हो जाएगा 5/2 और गुना में कितना 100 सेंटीमीटर, इसको इससे कर देंगे 50 बार में, तो आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब क्या निकालते हैं हम लोग, यहाँ निकालेंगे कि सबसे ये पहले पता चले कि इसमें कितने डंडे लगे हैं, यानी डंडों की संख्या निकालेंगे, ठीक है, डंडों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं डंडों की संख्या बराबर, डंडों की संख्या यानी कि एन निकालना है आपको, तो एन बराबर टोटल कितना है दूरी सबसे निचली और सबसे ऊपर वाले के बीच की, 250 सेंटीमीटर है, 250 सेंटीमीटर, और हर एक दो क्रमागत के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, है ना, 25 सेंटीमीटर है, और प्लस 1 दे देंगे, प्लस 1 दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतना तो ये डिवाइड किए समझ में आ रहा है, लेकिन प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, तो यहां समझिए दो क्रमागत के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर वाले के बीच की दूरी दिया है, तो ऐसे ही दो दो क्रम में आप घटाते जाए घटते गए, तो एक डंडा अंतिम में बच जाएगा, एक डंडा अंतिम में बच जाएगा, यानी इसीलिए ये प्लस 1 किया गया है, ठीक है। तो इसको यहाँ से काटेंगे 10 बार में, यानी कि टोटल कितने डंडे हैं 11, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लकड़ी की कुल लंबाई निकालनी है, लकड़ी की कुल लंबाई यानी कि यहाँ तात्पर्य है आपके एस एन से, लकड़ी की कुल लंबाई एस एन से। अच्छा, सबसे नीचे वाला जो है, सबसे निचले डंडे की लंबाई जो है वो 45 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख देते हैं सबसे निचले डंडे की लंबाई उसको ना आप ए मान लीजिए, है ना, 45 सेंटीमीटर, और सबसे ऊपरी
डंडे की लंबाई, सबसे ऊपरी डंडे की लंबाई, उसको ना आप ए एन मान लीजिए, ठीक है, वो ए एन दिया है, ए एन बराबर कितना है, कितना दिया है सबसे ऊपर वाले का, तो सबसे ऊपर वाले का यहां दिया है 25 सेंटीमीटर, तो ये ए एन मान लीजिए, ठीक है। अब यहां से एस एन निकालिए, एस एन यही ना आपको निकालना था, यही निकालना है, तो यहां लिखेंगे एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ये वाला लगा देते हैं, तो 11 बट्टा 2 ब्रैकेट में ए का मान कितना है 45 और प्लस ए एन का मान कितना है 25, ये किस में आएगा, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा, 11 बट्टा 2 ये दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 70 ना सेंटीमीटर, इसको इससे काट देते हैं 35 बार में, और 35 में 11 से गुना करेंगे 385 सेंटीमीटर कुल लकड़ी की लंबाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है, है ना, तो आपके पास मकानों की संख्या जो है, मकानों की संख्या एक पंक्ति में कैसे अंकित की गई है, तो 1, 2, 3 ऐसे कहां तक, 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, मान लीजिए कि इसमें से कोई ऐसा, मतलब ऐसे नंबर पे है ना, चाहे वो 10वां, 15वां, 20वां, 50वां, 49वां के बीच में, 1 से 49 के बीच में वह कोई भी ऐसा मकान हो सकता है, है ना, x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मान से पहले मकानों की संख्या का योग, मान लीजिए इसमें कोई x ऐसा मकान है, कोई भी मकान हो सकता है, चाहे वो 20वां हो, 25वां हो, 30वां हो, कोई भी एक ऐसा मकान है x, जो उसके ठीक पहले वाले, x से ठीक पहले वाला क्या आएगा, तो s x माइनस वन, वही कह रहा है कि x से अंकित मकान से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग, तो x से अंकित जो मकान होगा उससे ठीक पहले वाला x माइनस वन होगा ना, जो x होगा उसके पहले वाला x माइनस वन होगा, तो वहां तक के मकानों की संख्या का योग किसके बराबर है, तो उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है, तो x के बाद वाला मकान कौन होगा, तो टोटल में से यानी कि S49 में से अगर हम Sx को घटा ले, यानी कि x तक का योग घटा ले, तो उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग निकल जाएगा, समझे ना, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्या का योग, ठीक है, यहाँ समझिए, यहाँ रफली आपको समझाते हैं, मान लीजिए x एक ऐसा मकान है और इसके पहले वाला मकान x-1 होगा, ऐसे ही करके कहां तक आया है, ये 1, 2, 3 ऐसे आया हुआ है, और इसके बाद भी ऐसे करके कहां तक ये गया है, 49 तक गया है, समझ रहे ना, तो वही कह रहा है कि x से जो अंकित मकान है उसके पहले की मकानों की संख्या का योग, यानी कि Sx-1 बराबर है किसके, तो x के बाद वाले, तो x के बाद वाले मकानों की संख्या का योग ये होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल में से, यानी कि S49 में से हम Sx तक, यानी ये घटा देंगे, ये घटा देंगे, तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं, तो वही यहाँ काम किया है, क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया, अब देखिए इसको Sx को इधर लाते हैं, यहाँ हो जाएगा Sx प्लस Sx-1 बराबर में S49, समझ गया, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला Sn वाला एक बार फिर से, कि Sn बराबर होता है n बाई टू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्लियर है, ये याद रखेंगे। अच्छा इसके अनुसार ये जो मकानों की संख्या दी हुई है, इसके अनुसार a का मान 1 होगा और d का भी मान क्या आएगा, 2-1 यानी 1 ही आएगा, आएगा ना, तो ये इस चीज को 1-1 ध्यान रखेंगे, a का भी 1-1 है और d का भी मान क्या है, यहाँ पे 1 ही है। अब यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला, तो Sx का मान हो जाएगा x बटा 2 ब्रैकेट में 2a, तो एक जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस n-1 यानी कि x-1 और इंटू डी की जगह भी 1, ब्रैकेट बंद कर दिए, प्लस यहाँ चलिए हो जाएगा x-1/2 n/2 यही ना होगा, ब्रैकेट में 2a यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी कि x-1 और -1, ये n का मान है, और इंटू डी की जगह पे 1 बराबर में
एस उनचास दिया है, तो एस उनचास को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, उनचास बट्टा दू ब्रैकेट में ए प्लस एन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। या फिर जब ये फॉर्मूला इन दोनों में लगाना है तो यही फॉर्मूला यहाँ भी लगाते हैं, तो इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 2a, यहाँ देखिए नीचे ला दी क्योंकि ज्यादा कम था ना, 2 इंटू वन प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 1, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं, x बटा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1 से गुना होगा इसमें, तो यहाँ वही आ जाएगा x माइनस 1, चलिए प्लस x माइनस 1 बटा 2 ब्रैकेट में 2 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 से गुना होता है यही सब आएंगे ना, तो x और यहाँ ये माइनस का 2 कर दे क्या, ठीक रहेगा इस तरह से, और ब्रैकेट बराबर में अब देखिए यहाँ हो जाएगा 49 बटा 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2 प्लस, यहाँ देखिए घटेगा तो 48, 48 में एक से गुना होगा तो 48 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए ना ये 2 काट सकते हैं, चलिए यहाँ पे हो जाएगा x बटा 2 ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आ जाएगा x प्लस में 1 आ जाएगा ना सॉल्व करने पे, प्लस x माइनस 1 बटा 2 और इंटू में है आपका x, इंटू में है आपका x, अच्छा बराबर में 49 बटा 2 और गुना में 50 हो जाएगा, जोड़ के 50 हो जाएगा ना, इसको इससे काट देते हैं 25 बार में। चलिए यहाँ देखिए इसमें और इसमें कॉमन है क्या, तो कॉमन है x बटा 2, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, बराबर में यहाँ पे कितना है तो 49 में 25 से गुना करना होगा, तो आएगा क्या 1225 आ जाएगा आपका, है ना। अब आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए 1 कट जाएगा, x बटा 2 इंटू में 2x, x x 2x हो जाएगा ना, और बराबर में 1225, 2 से 2 काट दीजिए, x स्क्वायर बराबर 1225, तो यहाँ जाएगा तो ये रूट लगेगा, है ना, रूट लगेगा और प्लस माइनस तो दोनों लगना चाहिए ना, यहाँ प्लस और माइनस दोनों लगा देंगे तो यहाँ जो आ जाएगा प्लस माइनस 35 आ जाएगा, और चूंकि मकान की संख्या ना ये है तो मकान की संख्या धनात्मक होगी ना, मकान की संख्या धनात्मक होगी इसलिए माइनस वाला छोड़ देंगे, x बराबर हो जाएगा आपका 35, यानी कि 35 नंबर ऐसा मकान है कि उसके पहले वाले जितने भी मकान है उन सब की संख्या का योग उसके बाद वाले मकान के संख्या के योग के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा है कि एक फुटबॉल के मैदान में एक चबूतरा है, देखिए ये चबूतरा फिगर में जैसे दिखाया गया है, जिसमें 15 सीढ़ियां बनाई गई, कैसे सीढ़ी है 15 सीढ़ियां, ऐसे 15 स्टेप्स बनाए गए हैं, इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है, हर एक की लंबाई कितनी है 50 मीटर है, 50 मीटर लंबा है सब स्टेप, और वह ठोस कंक्रीट की बनी हुई है, ठोस कंक्रीट सीमेंट का मसाला जो होता है ना, ठोस कंक्रीट की बनी हुई गिट्टी वगैरह मिला के, प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई, मतलब कि ये उसकी ऊंचाई दी है 1/4 मीटर, और कह रहा है कि 1/2 मीटर का फैलाव, यानी कि इसकी चौड़ाई दी हुई है 1/2 मीटर, तो इस चबूतरे को बनाने के लिए कितने कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित है, मतलब इसमें जो कंक्रीट लगा है, लगा हुआ कंक्रीट जो है, कह रहा ना कि इस चबूतरे में को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए, यानी कि इसका आयतन निकालना है, टोटल का आयतन निकालिए। देखते हैं कि पहले स्टेप में कितना कंक्रीट लगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, दो तीन का पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि पहले सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन, तो आयतन निकालने के लिए क्या होता है, ये आपका कैसा दिख रहा होगा, तो घनाभाकार दिख रहा होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि 50 है ना गुना 1/4 गुना 1/2, यही ना दिया है मीटर क्यूब, इसको इससे काट देते 25 बार में, यानी पहले सीढ़ी का आ जाएगा 25/4 मीटर क्यूब कंक्रीट का आयतन है। चलिए दूसरी सीढ़ी का निकालते हैं, दूसरी सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन
आयतन, तो दूसरी सीढ़ी में कितना लगेगा। अब थोड़ा यार समझने वाली बात है, जब सीढ़ी बनता है तो आप देखे होंगे कि ये वाला पहला वाला रहेगा, फिर दूसरा वाला तो ऊंचा उठ जाएगा ना, तो जितना पहले था उतना उसमें तो कंक्रीट लगेगा ही, उतना कंक्रीट लगेगा, उसके बाद ये जो ऊपर लग रहा है वो अलग से है, ठीक है। उसी तरह जब तीसरा स्टेप बनेगा तो दूसरे में जितना लगा उतना कंक्रीट तो नीचे लग गया, और ऊपर जो स्टेप अगला बना है वो भी लग गया, यानी कि दूसरे सीढ़ी में लगा कंक्रीट का आयतन इसके आयतन को तो लेंगे ही, और इसमें प्लस किसको कर देंगे, ये अगले स्टेप के लिए, अगले स्टेप में जो लगा है वो, ठीक है, यानी कि इसके निचले सतह का तो ये लेंगे ना, और उसके बाद ना ऊपर उठाए तो कितना उठाए, इतना ही उठा होगा, यानी कि 50 गुना 1/4 गुना 1/2 मीटर क्यूब। इसको काटते हैं, ये भी 25/4 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 25 और प्लस में 25 मीटर क्यूब, यानी कि दूसरे सीढ़ी में लगेगा 50/4 मीटर क्यूब। काट सकते हैं काटना चाहे तो, 25/2 मीटर क्यूब दूसरे सीढ़ी में लगेगा, यहाँ दूसरे सीढ़ी में कितना लगा 25/2 मीटर क्यूब। इसी तरह अगर आपको कहा जाए तीसरा का निकालने के लिए, ऐसे तो जरूरत नहीं तीसरे का, चाहे तो आप निकाल सकते हैं, तो तीसरे के लिए क्या करेंगे कि इसमें जो आयतन लगा है ना उसमें इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि तीसरे स्टेप को बना रहे हैं तो जितना दूसरा में कंक्रीट लगा उतना तो लगेगा ही, और उसके अगले स्टेप का जो आयतन हो रहा है उसको भी जोड़ना होगा, समझे ना, ऊपर जो उठा हुआ भाग है उसका भी आयतन जोड़ना होगा, नीचे का भी। चलिए तो तीसरे के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दो से ही काम चल जाएगा। हम लिखेंगे इसके बाद कि दो लगातार सीढ़ियों में लगे कंक्रीट के आयतन का अंतर, ठीक है, वो क्या निकलेगा, सार्वंतर, यानी d का मान होगा, यानी d बराबर हो जाएगा 25/2 मीटर क्यूब और माइनस में 25/4 मीटर क्यूब। एलसीएम लेके यहां से घटा देंगे, 4 एलसीएम होगा, यहाँ हो जाएगा 50 मीटर क्यूब माइनस में 25 मीटर क्यूब, यानी यहां से आपका d का मान जो आ गया, d बराबर आ गया, वो आ गया 25/4 मीटर क्यूब, और पहली सीढ़ी में जो लगा है वो आपका a का मान हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 25/4 मीटर क्यूब, पहले सीढ़ी में इतना ही लगा है, और n का मान हो जाएगा 15, क्योंकि टोटल 15 स्टेप बने हैं, है ना, 15 स्टेप बने हैं, तो इनका मान 15। अच्छा, तो लिखेंगे कुल कंक्रीट का आयतन, यानी कि एस एन निकालना है, तो आपका फॉर्मूला आता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यही ना लगाएंगे। चलिए तो हमें क्या निकालना होगा, तो एन की जगह पर रखना होगा 15 बाई टू ब्रैकेट में 2a के जगह पे 25/4 प्लस n माइनस वन, यानी कि 15-1, और d के जगह पे कितना होगा, तो 25/4 मीटर क्यूब में ना होगा ये। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो 15/2 ब्रैकेट के अंदर ये देखिए कट जाएगा, 25/2 प्लस 14 गुना 25/4 मीटर क्यूब, यहां से इसको काट देंगे 7 और इसको काट देंगे 2, यानी कि 15/2 अंदर एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 25 और प्लस इसमें गुना करिएगा तो 175 मीटर क्यूब, तो 175 में 25 जुड़ जाएगा ना, तो 15/2 गुना में हो जाएगा यहाँ पे 200/2 मीटर क्यूब। यहां से काटेंगे इसको 100 बार में और फिर इससे काट देंगे 50 बार में, 750 मीटर क्यूब यहाँ से कुल कंक्रीट का आयतन निकल गया। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इस जो भी लिंक की जरूरत हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके चैप्टर के लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करें। धन्यवाद।